हेलो माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 8th ये आपका लेसन है फेयर जजमेंट और लेसन भी आपका 8th ही है। इसके अंदर आपको कई किंग जो है कई राजाओं की स्टोरी मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने कैसे कैसे अपने पुअर लोगों के साथ कैसे उन्होंने फेयर जजमेंट किया, यहाँ पर कैसे उनके साथ जस्टिस किया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जजमेंट सबसे पहले आपकी स्टोरी लिखी गई है एक क्वीन के बारे में, जो कि गंगा रिवर के अंदर बात करना चाहती थी, नहाना चाहती थी, क्योंकि ये फुल मून नाइट थी और इसके लिए वो जो है वो काशी की क्वीन है यहाँ पर। और वो जो है वो क्या करती, अपनी फ्रेंड बेला को जो है वो बुलाती है और कहती है कि कल पूर्णिमा है और मैं जो हूँ गंगा रिवर के अंदर स्नान करना चाहती हूँ अर्ली मॉर्निंग टाइम, बहुत जल्दी उठ के, तो मेरे जहाँ पर यहाँ पर नहाने के लिए अच्छे से अरेंजमेंट कर देना, और जैसे ही मैं वहां पर नहाने जाऊं तो मुझे वहां पर आसपास में कोई भी दिखाई ना दे, क्योंकि मैं वहां पर नहाने जा रही हूं। तो ऐसा सुनकर के कहते कि तुम किसी भी एक सैनिक की भी सहायता ले सकती हो। तो ये सारी बातें जो वो बेला एक सोल्जर को, एक सैनिक को भी क्या करती है, एक्सप्लेन कर देती है कि कल जो है वो रानी क्या करेगी, रिवर पे, गंगा रिवर पे स्नान करने जा रही, तो आसपास में वहां पे कोई भी नहीं होना चाहिए। तो सोल्जर क्या करते हैं कि जो आसपास में जो हट्स होती हैं, जो झोपड़ियां होती हैं, उन सबको खाली करवा देता और वहां पर कोई भी पर्सन नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जो क्वीन है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी नौकरानियों के साथ वो क्या करती है, रिवर पे जाती है और वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। ठंड बहुत ज्यादा होती है, रिवर का जो वाटर है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जो क्वीन है वो वहां पर बात करती है, लेकिन नहाने के बाद क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो वो बहुत ज्यादा ठंड से कांपने लग जाती है और वो क्या करती है, अपनी नौकरानियों को, अपनी मेड्स को बुलाती है और कहती है कि कहीं ना कहीं से सूखी लकड़ियां लेके आओ और उनको उनमें आग जला दो ताकि मैं अपने आप को गर्म कर सकूं। लेकिन यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग टाइम में आपको पता है कि सूखी लकड़ियां नहीं मिल सकती, तो कहते कि क्यों ना तुम आसपास में जो झोपड़ियां हैं वहां से मांग करके ले आओ। लेकिन जैसे ही वो जाती है हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर, तो वो रानी को बताती है कि आपने जैसे ऑर्डर दिया था कि आसपास में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ की सारी झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया है, यहाँ पर कोई भी फिशरमैन नहीं है, कोई भी बोटमैन नहीं है, कोई भी यहाँ पर रहने वाला आज नहीं है, क्योंकि इन झोपड़ियों को आपके ऑर्डर के हिसाब से तो खाली करवाया गया था। अब क्वीन सोचती है कि अब क्या किया जाए, तो एक हट की तरफ, एक झोपड़ी की तरफ जाती है और बोलती है, वो ऑर्डर देती है कि इस हट को ही तुम आग लगा दो। बेला कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है रानी, ये तो रहने के लिए झोपड़ियां हैं, गरीब लोगों की झोपड़ियां हैं, आप इनमें आग कैसे लगवा सकती हैं। तो क्वीन कहती है कि नहीं, मुझे तो, मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया है तुम्हें वही पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर जाकर के इस हट में आग लगानी ही होगी क्योंकि मैं अपने आप को गर्म करना चाहती हूँ, मुझे ठंड लगी है। तो वो क्या करती है, अब क्वीन जो है कहती कि मैं अपने ऑर्डर को वापस नहीं ले सकती, तो वो जाकर के जो रानी है वो खुद ही क्या करती है, वहां पर झोपड़ी में आग लगा देती है। और जैसे ही झोपड़ी में आग लगाती है वो बहुत सरप्राइज होती है कि उन्होंने, रानी ने क्या कर दिया। और जैसे ही सनराइज होता है तो सबके सब यहाँ पर अपनी झोपड़ियों में वापिस आ जाते हैं, लेकिन वो पर्सन जिसकी वो झोपड़ी होती है वो देख के बहुत ज्यादा दुखी होता है कि ये किसने कर दिया। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये फॉल्ट किसका था, किसकी गिल्टी थी, ये क्वीन की ही गिल्टी थी, वो ये क्वीन का ही फॉल्ट था, क्वीन ने ही ऐसा किया था। तो जो पुअर विक्टिम होता है, जो पुअर पर्सन होता है, वो कुछ लोगों को असेंबल करता है, उनको पैलेस में लेके जाता है, उनको महल में ले जाता है, दोपहर के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वहाँ का जो मिनिस्टर होता है वो उनको अंदर नहीं आने देता। लेकिन थोड़ी सी देर बाद जो वो देखता है कि भी क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं पहले किंग को बता दूं कि इतनी क्राउड क्यों आई हुई है। तो किंग के पास जाता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को आपको सुनना ही होगा। तो ऐसा करके वो जो किंग को बुलाते हैं, किंग कहते हैं कि ठीक है, वो थोड़ा पेशेंस रखें और मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनूंगा। तो जैसे उनको बोला जाता है वो अंदर आ जाते हैं और किंग को पता चलता है, किंग पूछता है कि अच्छा आप बताओ क्या हुआ था। तो जो है कोई भी, वो कहते कि उसकी झोपड़ी में आग लगी, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि क्वीन
ने ही आग लगाई है। तो उसके बाद जो होते हैं कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पर्सन उनमें से आगे आता है और बोलता है कि ये सारी करामात किसकी है, क्वीन की है। ऐसा सुन के जो किंग होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो सारे वो कंफर्म करना चाहता था कि सच में रानी ने ऐसा किया है। तो रानी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसी ने ऐसा किया है। तो किंग को बहुत बुरा लगता है ये सुनकर कि क्या क्वीन अपने सेल्फिशनेस के लिए ऐसा कर सकती है। तो कहते हैं कि देखो जस्टिस में जो है लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई जो है वो सेम होता है, जो कानून है उसकी नजरों में हर कोई सेम होता है, तो यहाँ पर फेयर जस्टिस ही आप सबके साथ होगा। अब वो कहता है कि रानी ने जैसे झोपड़ियों में आग लगाई है वैसे ही वो भी इतनी ही तकलीफ भरी लाइफ को जिएगी, और वो भी किसी ना किसी हट में किसी ना किसी झोपड़ी में जाकर के अपना जीवन बिताएगी। अब ऐसी ऐसा ऑर्डर सुनकर के जिसने कंप्लेन की थी वो बोलता है कि भी मैं तो अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगा, आप ऐसा ऑर्डर मत दो। लेकिन किंग कहता है कि नहीं, जो ऑर्डर मैंने दिया है वही रहेगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं नहीं करूंगा तो रिच और पावरफुल पर्सन क्या करेंगे, अपने गरीब लोगों को दबाने लगेंगे, उनका ज्यादा जो है वो क्या होगा, हैरेश होगा, उनको सब के सब क्या करेंगे, परेशान ज्यादा करेंगे। तो अगर मुझे बढ़ते हुए क्राइम को रोकना है तो मुझे ऐसा फैसला लेना ही पड़ेगा और मुझे ऐसी पनिशमेंट उसको देनी ही पड़ेगी। तो ये था फेयर जजमेंट एक एम्परर के द्वारा। अब आते हैं अशोक एम्परर। अशोक जो राजा थे उन्होंने कैसे किया था, वो भी अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रात को उन्होंने क्या किया, शिशुपाल के घर पे जाकर के दरवाजे को खटखटाया, जो ब्राह्मण थे उनको बोला कि अगर बढ़ते हुए क्राइम को रोकना है तो मुझे क्या करना, कि अगर बढ़ते हुए क्राइम को रोकना हो तो क्या करना चाहिए। उसने अपने आप को ये नहीं बताया कि वो किंग है, वो साधारण भेष में उसके घर पे गया था। और जैसे वो जाता है तो शिशुपाल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं एक महीने में ही क्राइम को खत्म करने की हिम्मत रखता हूँ। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद कुछ जो दरबार के लोग होते हैं वो शिशुपाल को बुला के लेके आते हैं दरबार में। तो वो डर जाता है कि भी वो सरप्राइज होता है, एस्टोनिश होता है, सरप्राइज होता है कि उसको क्यों दरबार में बुलाया गया है। लेकिन फिर भी वो वहां पर जाता है, और जाते ही जैसे ही उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है एज अ मिनिस्टर की पोस्ट का, तो बड़ा सरप्राइज होता है कि उसको क्यों अपॉइंट किया गया। लेकिन यहाँ पर अब राजा अशोक कहते हैं कि मैं जो हूँ सारे क्राइम को फिनिश करवाना चाहता हूँ अपने राज्य से, तो तुम्हें इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। और जैसे उसको ये अपॉइंटमेंट मिलती है वैसे ही साथ साथ वो अपना काम शुरू कर देता है, और धीरे धीरे पूरा जो है वो क्राइम फिनिश हो जाता है। लेकिन एक दिन राजा उसको अजमाना चाहता है कि क्या सच में उसको सब कुछ अच्छे से पता है, ये सब कुछ ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्या करता है, एक सैनिक को मार देता है। और जैसे उस सैनिक को मारता है, मारने के बाद कुछ दिन के बाद ही फिर वो शिशुपाल उसको ढूंढ निकालता है पूरे विटनेस के साथ, सारे के सारे एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ वो प्रूव कर देता है कि ये सारा काम किसने किया है, अकबर ने ही किया है। तो बहुत खुश होता है ये सुनकर के। और अकबर अशोक जो है क्योंकि बहुत अच्छा राजा होता है, तो इसलिए वो कहता है कि ठीक है तुमने ये किया, अब जजमेंट तो होना चाहिए भाई, फेयर जजमेंट तो होना चाहिए, जस्टिस तो होगा कि मैंने जो उसको मारा। तो अपनी एक इमेज बनवा देता है जिसको कि फांसी पर चढ़ा देते हैं बाद में। इसका मतलब जो फेयर राजा होता है तो बच जाता है, लेकिन उसी की एक मूर्ति बना करके उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, उसी को जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से फेयर जजमेंट करता है। Our constitution had provided equal justice, कहते सबके लिए जो वो जो जस्टिस है वो इक्वल ही होता है। तो ये थी हमारे अकबर एम्परर की स्टोरी। अब थर्ड आती है हमारी महाराणा रणजीत सिंह की बारी, जो कि एक बार बाहर गए हुए थे। तो रास्ते में जाते जाते एक बार क्या होता है कि उनके माथे पर कोई जो है जोर से पत्थर फेंक के मारता उनके सर के ऊपर। तो रणजीत सिंह जो है वो कहते हैं कि भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसे किसने मारा। तो एकदम से जो है वो क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं जिसने उसको पत्थर मारा था। एकदम से जो है वो कौन होती है, एक लेडी होती है जो कि पुअर होती है, बहुत ज्यादा गरीब होती है। तो कहती है कि हाँ महाराज मैंने ही मारा है, लेकिन मैं जो हूँ इसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये सब मैंने आपके लिए टारगेट नहीं किया था, मैंने आपको मारने के लिए नहीं किया था। हुआ क्या था कि मैं जो बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, मुझे अपने बच्चों को फल देना था, इसलिए मेरा टारगेट तो फ्रूट को मारना था, फल को मारना था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से वो आपके ऊपर जाकर लग गया। तो जब ऐसा देखा तो राजा रणजीत सिंह जो थे बहुत ज्यादा पिटीफुल थे, बहुत ज्यादा दयालु थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस औरत का जो है मंथली फिक्स कर दी जाए, और इसके जो भी घर का खर्चा है वो दरबार उठाएगा, मीन्स वो जो है वो
राजा उठाएगा। तो ये थी स्टोरी हमारी महाराजा रणजीत सिंह की, जिन्होंने की भी फेयर जजमेंट किया। बेशक उनके ऊपर स्टोन मारा था देकर के, पत्थर देकर के मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इस लेडी के साथ उन्होंने फिर भी जस्टिस किया। तो ये हमारी थ्री स्टोरीज हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे एम्परर्स ने फेयर जस्टिस किया था।